बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यंग एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के इंटरव्यू का लेटर के बारे में कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ने जो इंटरव्यू का लेटर जारी किए हैं वो किस किस को किए हैं, किस को नहीं किए। काफ़ी मेरे भाई ने पूछा है कि सर हमें तो नहीं आया, कब हमें आएगा, तो उसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो। यार सब्सक्राइब ना करने से आपको क्या मिलता है, सब्सक्राइब कर दो, कुछ भी नहीं जाएगा। ये रेड बटन पे क्लिक लाजमी कर दें। तो उसके बाद आपने वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करना है। तो आपको मैं बताता चलूँ, जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस यानी MES ने इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर और टाइपिंग टेस्ट जो होता है, कुछ का होगा कुछ का नहीं होगा, वो कंप्लीट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि किस किस पोस्ट का टाइपिंग टेस्ट होता है, वो सारी डिटेल वीडियो में मौजूद है। तो वो लेटर जो है वो जारी करती हैं। वो कैसे किए, कुछ मेरे भाइयों को नहीं आया, अभी तक मुझे भी नहीं आया, कुछ भाइयों को आ चुका है। तो वो मैं आपको बता दूँ उसकी डिटेल क्या है कि किस किस को आया है, किस किस को नहीं आया। वो इस तरह है कि जिसका पहले टेस्ट हुआ था उसको पहले हुआ। अब मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि काफी मेरे भाई कहते हैं कि LD से एकदम LDC का हो जाएगा, यानी 21 से लेकर 31 तक LDC के टेस्ट जो उन सब का एकदम होगा, फिर UDC, फिर असिस्टेंट इंजीनियर स्टाफ का। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं होता। वो ये देखते हैं कि 24 तारीख को किस पोस्ट का टेस्ट हुए थे, LDC के भी हुए थे, UDC के भी, असिस्टेंट स्टाफ जो जो हुए उन सब का 24 तारीख वाले सबको बुला लो इंटरव्यू के लिए, यानी जिस जिस पोस्ट का सबको 24 वालों को बुला लो। तो वो उसके हिसाब से वो शिफ्ट बना देखे, पहले असिस्टेंट के ले लो, LDC का, UDC के, इस तरह वो टैपिंग टेस्ट लेते, लाहौर के अंदर होता है, तो इस तरह वो होता है। तो अब 21 का होगा, 22 का, 23 का, 24 का, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो यहाँ तक होगा। तो आपकी बारी जब आएगी तो ईद तक जो है ना, आप ईद तक सब्र करें। ईद की वजह से उन्होंने कुछ पहले इंटरव्यू के लिए मैसेज किया, अब उसको डिले कर दिए। तो ईद तक आप ना थोड़ा सा वर्क करें, ईद के बाद आपको मैसेज आना शुरू हो जाएंगे और 15 तक इंशाल्लाह आपको कंप्लीट सबके मैसेज आ जाएंगे। तो मेरी अल्लाह ताला से यही गुजारिश है कि दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब हो, कामरान करें, आप सबके नाम आ जाएं और टाइपिंग टेस्ट की तैयारी आप फुल करें। इंटरव्यू की तरह मुश्किल नहीं होता, आप टाइपिंग पे फोकस करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। आपसे यही गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।